तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंक दिया अपवर्ड, जिसकी स्पीड जो है वो 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखना, सोल्यूशन किलोमीटर में हम लोग निकालेंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आपको लेना है 6400 किलोमीटर। और कितनी स्पीड से आप फेंके हो भाई? 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। काफ़ी अच्छा खासा स्पीड दे दिए हम लोग। और अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। कंसीडर ओनली अर्थ ग्रेविटेशन, मतलब इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ ही है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो सिनेरियो है। पहला ये है इनिशियल इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर हमने वी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो भाई ये इन्फिनिटी में थोड़ी जाएगा, रिटार्ड होगा। ग्रेविटी इसको पुल करेगी, जी नीचे लगेगा, तो ये रिटार्ड होगा, ठीक है। और फाइनली इसकी स्पीड कम होगी, जो भी है कम होगी। और ऐसा समय आ ही जाएगा जब भी कम होते होते इस पॉइंट पे फाइनल पोजीशन पे भी जीरो हो जाएगी। दिस इज द फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। और ये क्या था भाई, यहाँ से जो फेंके थे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये क्या था? इनिशियल पोजीशन था। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, पहले सिनेरियो में, और ये फाइनल पोजीशन है। यहाँ से आपने फेंका था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक क्या है? तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। तो लॉजिक ये है कि ये जो इनिशियल पोजीशन है फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट पे, मैं एनर्जी कंजर्व करा दूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दूँ। एक पावरफुल टूल्स है ग्रेविटेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करने का बच्चों। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे मेरा जो मैकेनिकल एनर्जी है और जो मैकेनिकल एनर्जी दूसरे पॉइंट पे, बच्चों ये तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए यार, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से सिंपली मेरा हाइट कैलकुलेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या है? फर्स्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पहले वाले पॉइंट पे इनिशियली, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भाई दूसरे वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो जब ये स्टॉप हो गया यहाँ पर, तो फाइनली वेलोसिटी या जीरो हो चुकी है ना। तो अगर तुम देखे होगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पॉइंट पे कितनी थी? हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी स्मॉल एम, और ये आ जाएगा रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी रेडियस इज इक्वल टू टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जी एम स्मॉल एम और आर प्लस हाइट एच आ चुका है, ठीक है। तो आई होप ये सबको लिखने आता होगा, तो आप बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हो। तो इसको हम सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालते हैं। तो एम बी स्क्वायर ओवर आर, जी एम को मैं लिख सकता हूँ जी आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एम और आर। तो यहाँ से मैं माइनस जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर लिख दूँ, स्मॉल एम इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो यहाँ से देखोगे तो स्मॉल एम की जो वैल्यू है, ये जो स्मॉल एम है वो बेसिकली यहाँ से कट जा रहा है, और टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो तुम देखो कि यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बचेगा भी स्क्वायर, और माइनस यहाँ से टू जी आर स्क्वायर ऊपर कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस टू जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच, ठीक है। तो अब हमें एच चाहिए, तो एक काम करते हैं, एच की कैलकुलेशन के लिए आर प्लस एच को मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेशन के लिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से, बी स्क्वायर आर माइनस टू जी आर स्क्वायर ओवर आर यहाँ से, और यह जाएगा माइनस टू जी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से आर प्लस एच की जो वैल्यू आ जाएगी, आर प्लस एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से आ जाएगी माइनस टू जी आर की पावर क्यू, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से, ठीक है, आर प्लस एच की वैल्यू बी स्क्वायर आर और माइनस टू जी आर का स्क्वायर। एक आर यहाँ से कम हो जाएगा, तो टू जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर माइनस टू जी आर। तो दिस इज द बी स्क्वायर माइनस टू जी आर। ये बेसिकली क्या है भाई, टू
टू जी आर और माइनस, और इसको इधर लाओगे तो हमें चाहिए एच, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस आर और माइनस टू जी आर स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर माइनस टू जी आर। तो फाइनली जो वी स्क्वायर माइनस टू जी आर है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई, इसे एच को इधर ही रहने दो, तो माइनस से तुम इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। बेसिकली यही है एच की एक्सप्रेशन, तो एच की एक्सप्रेशन बेसिकली यही है, देख लेना कहीं पे कोई गलती नहीं हुआ है प्लस माइनस का। तो अब बेसिकली अब मैं आर की वैल्यू रखूँगा, पुट ऑल द वैल्यू, पुट पुट ऑल द वैल्यूज, सभी जो है वैल्यूज तुम रखोगे, तो यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले लोगे, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो टू जी आर स्क्वायर और माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले गए तो टू जी आर माइनस बी स्क्वायर और माइनस आर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो फाइनली यही है हमारा एच का फाइनल सोल्यूशन। तो इस एच में अब मैं सारे वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो दिया था उसको रखो, तो जो वैल्यू दिया था उसको प्यारे बच्चों रखते हैं। तो एच की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, टू जी की वैल्यू 9.8 और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, डिवाइड कर दूं यहाँ से टू और 9.8 अर्थ के सरफेस पे, आर की वैल्यू 6400 और माइनस वेलोसिटी 9.8 का स्क्वायर और माइनस 6400 किलोमीटर। तो ये फाइनली पूरा जो है कैलकुलेट कर लेना तुम, आई होप कि अब कैलकुलेशन आता होगा आपको, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 209,000 किलोमीटर, इतना आ जाता है, क्योंकि फाइनल सोल्यूशन जो है वो बच्चों किलोमीटर में ही मिलेगा हमें। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर क्वालिटी कंटेंट मेरे चैनल को फॉलो कर लो और बेल आइकन दबा दोगे तो जो मैं वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिलता रहेगा, और ये बहुत ही यूनिक और क्वालिटी कंटेंट है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।